गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है दो रॉकेट और इन दोनों रॉकेटों को मैंने एक पाइप से अलग अलग दोनों पाइप से चिपका रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज हम लोगों ने आज तक ऐसा सुना है कि कभी सड़क पर एक्सीडेंट होता है, कभी दो गाड़ियाँ टकरा गई, कभी दो आदमी टकरा गए, कुछ भी टकरा सकता है ना। लेकिन हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं सुना है कि कभी ज़मीन आकाश में दो हवाई जहाज या फिर दो रॉकेट आपस में टकरा गए, क्योंकि गाइज ऐसा होता ही नहीं है। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों रॉकेटों को आपस में टकराने वाले हैं। और गाइज टकराने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको इधर से छोड़ूंगा, इसको इधर से छोड़ूंगा और दोनों ऐसे ऊपर जाके आपस में टकरा जाएगी, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो टकराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, यानी कि दोनों रॉकेट है ना एक ही रास्ते को फॉलो करें, एक ही पथ को फॉलो करें, फिर ये इधर से आएगी, ये इधर से आएगी और दोनों टकरा जाएगी। तो उसके लिए फटाफट हम लोग प्लेटफॉर्म बनाना शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइज़ हमने जो प्लेटफॉर्म बनाने का बोला था ना, वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन चुका है, यानी कि एक हमने एक रस्सी ली है और उसके एक साइड में एक रॉकेट है और दूसरे साइड में वहाँ पे है दूसरी रॉकेट। और अब क्या करेंगे गाइज, दोनों साइड में रॉकेटों को एक साथ जलाएंगे और उसके बाद वो रॉकेट इधर से आएगी और ये वाली रॉकेट इधर से आएगी और फिर दोनों की होगी टक्कर। तो फटाफट हम लोग आग लगाते हैं और तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइज हमने एक बार ट्राई किया था पर वो फेल हो गया, तो हम लोग एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सेकंड है अभी। गाइज यार इस बार तो सच में यार काफ़ी ज़्यादा कमाल हो गया। उधर से वो रॉकेट आई, वो थोड़ी जल्दी आ गई थी, बट ये वाली भी गई थी। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बीच में टकराएगी, बट बीच में तो ये नहीं टकराई, लेकिन ये भी गई और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टकराई। और जो नज़ारा था ना गाइज काफ़ी शानदार था यार। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें।